हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फिर से खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको। हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है लूसी। फिल्म के स्टार्ट में हमें मेन कैरेक्टर जो इस मूवी की हीरोइन है लूसी को दिखाया जा रहा होता है। लूसी अपने पार्टनर के साथ खड़ी होती है जिसका नाम रिचर्ड है। रिचर्ड एक ड्रग डीलर है और हमेशा गलत कामों में शामिल रहता है। रिचर्ड के हाथ में एक बैग पकड़ा होता है। वो लूसी को कहता है कि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, ये बैग जाकर तुमने उसे देना है, बस तुम्हारा इतना सा ही काम है और इस काम के बदले में हमें $1,000 मिल सकते हैं। तो लूसी हैरान होती है और पूछती है कि इतने छोटे से काम के लिए कोई हमें इतने सारे पैसे क्यों देगा, जरूर इसमें कुछ गलत है, इसलिए वो उसका काम मानने से इनकार कर देती है। रिचर्ड को ये बैग किसी भी तरह उस बूढ़े आदमी जिसका नाम मिस्टर जैंग है उस तक पहुंचाना होता है, लेकिन लूसी मना कर देती है। तो वो लूसी के हाथ में हथकड़ी लगा देता है जिसका एक कोना बैग के साथ अटैच होता है। लूसी अब उस ब्रीफकेस से जान नहीं छुड़वा सकती है, तो रिचर्ड कहता है कि अब तुम्हें हर हाल में अंदर जाना ही पड़ेगा। फिर लूसी आखिरकार अंदर चली जाती है, रिसेप्शन पर जाकर उस बुढ़े आदमी का नाम लेती है जिससे उसने मिलना होता है। लूसी का पार्टनर बाहर खुशी से उसे देख रहा होता है और उसको बेस्ट ऑफ लक का इशारा कर रहा होता है, तभी उसे कोई शूट कर देता है। उसी वक्त ही रिचर्ड की डेथ हो जाती है और लूसी हैरान रह जाती है। और फिर कुछ लोग आकर लूसी को पकड़कर अंदर ले जाते हैं, उसे कुर्सी पर बिठाकर कहते हैं कि इस ब्रीफकेस को ओपन करो, और ये कहते हैं जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो छुप जाते हैं। तो लूसी परेशान हो जाती है, वो कहती है कि क्या इसमें कोई खतरनाक चीज है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, तो फिर वो कहती है कि फिर सब लोग छुप क्यों रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमें उस इंसान पर यकीन नहीं है जिसने तुम्हें ये ब्रीफकेस दिया, इसलिए सब लोग एहतियातन छुप रहे हैं। उसके बाद एक आदमी उसे एक कोड लिखकर देते हैं जिसके जरिए वो ब्रीफकेस ओपन होगा। फिर वो कोड्स लेने के बाद लूसी वही कोड्स उस ब्रीफकेस पर डायल करते हैं जिससे बैग ओपन हो जाता है और उसमें 4 पैकेट्स पड़े होते हैं। फिर जो लोग छुपे होते हैं उनमें से जो मिस्टर जैन होते हैं वो अंदर से आवाज देकर पूछते हैं कि ब्रीफकेस ओपन किया है तुमने, तो उसमें क्या है। तो वो कहती है कि इसमें 4 पैकेट्स पड़े हुए हैं और उन पैकेट्स का कलर ब्लू है जिसमें कोई पाउडर मौजूद है। ये सुनते ही सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगते हैं। फिर मिस्टर जैंग आगे बढ़कर लूसी से पूछते हैं कि क्या तुम हमारे कामों में हमारा साथ देना चाहोगी। तो लूसी मना कर देती है। उसका इनकार सुनकर पास खड़े एक आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लूसी के मुंह पर मुक्का मार देता है और उसी वक्त ही लूसी बेहोश हो जाती है। लेकिन जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट का तो ऑपरेशन हुआ है जहां पर पट्टियां ही पट्टियां लगी हैं और ब्लड निकल रहा है। तो वो सोचती है कि जब वो बेहोश हुई थी तो कहीं किसी ने ऑपरेट करके उसके बॉडी के अंदर से कोई पार्ट तो नहीं निकाल लिया, शायद किसी को किडनी की जरूरत हो और उसने लूसी का ऑपरेट करके उसकी किडनी निकाल ली हो। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है तो वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि हमने ऑपरेट करके तुम्हारे अंदर से कोई पार्ट नहीं निकाला, बल्कि जो वो 4 पैकेट्स ब्रीफकेस में से निकले थे उनमें से एक पैकेट ऑपरेट करके हमने तुम्हारे पेट में डाल दिया है और अब हम तुम्हें जहाँ पर भेजेंगे तुम वहाँ पर जाओगी तो वो लोग ऑपरेट करके तुम्हारे पेट में से इस पैकेट को वापस निकाल लेंगे और इस सारे प्रोसेस के बाद तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। अब लूसी उनको इनकार करना चाहती है, मगर वो सोचती है कि अगर वो इन सबको इनकार कर देगी तो वो लोग इसे मार भी सकते हैं क्योंकि वो सब ड्रग माफिया से ताल्लुक रखते हैं और बहुत ज्यादा ही ताकतवर हैं। अब वहाँ पर 3 और आदमियों को लाया जाता है। जो बाकी बचे हुए 3 ड्रग्स के पैकेट होते हैं वो एक एक ऑपरेट करके उन तीनों के पेट में डाला जाता है। फिर वही आदमी सेम बात उन तीनों से भी कहता है कि जब तुम लोग अपना काम कर लोगे तो तुम लोग को हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम सब में से किसी ने हमें धोखा देने की कोशिश की तो तुम सबकी फैमिलीज के एड्रेस हमारे पास मौजूद हैं और उसके बदले में हम तुम्हारी फैमिली वालों को जान से मार देंगे। अब उन चारों के मुंह को कपड़े से ढांप दिया जाता है और उनको अलहदा वहां से ले जाया जाता है। फिर जब लूसी के मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो सामने 2 आदमी खड़े होते हैं, उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करता है तो लूसी उसकी इंसल्ट करती है। तो वो आदमी गुस्से में लूसी को थप्पड़ मार देता है और फिर लूसी को मारने लगता है। मारते हुए वो लूसी के पेट में 3-4 बार टांग मारता है जिससे लूसी के पेट में मौजूद वो पैकेट फट जाता है और उस पैकेट में ड्रग मौजूद होता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर सीन बदलता है तो हमें यहाँ पर एक साइंटिस्ट को दिखाया जा रहा होता है और ये साइंटिस्ट ब्रेन पर रिसर्च कर रहे हैं। वो साइंटिस्ट स्टेज पर खड़े होकर स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान ने आज तक सिर्फ अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल किया है और सिर्फ इस 10% इस्तेमाल से ही उसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, ट्रेन, एरोप्लेन, तो जितनी भी चीज़ों की जरूरत थी वो सब बना दिया, यहाँ तक इंसान चांद तक पहुँच गया। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी मखलूक भी मौजूद है जो अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल भी करती है और वो है डॉल्फिन। ये एक इतनी सहीन मखलूक है कि ये टेलीपैथी का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात भी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इंसान भी अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करने लग जाए तो वो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है
और उसे अपने पूरे बॉडी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। फिर से सीन बदलता है और हमें लूसी को दिखाया जाता है जिसके पेट में वो पैकेट फट चुका है। उस पैकेट के फटने की वजह से अब लूसी सुपर एक्टिव हो चुकी है, यानी कि उसका दिमाग अब 20% काम करने लग गया है। उसे बाहर से आवाज आती है तो वो जल्दी से बैठ जाती है। फिर वही इंसान अंदर आता है जिसने लूसी को मारा था, लेकिन लूसी आराम से बैठकर उसे देखती रहती है क्योंकि अब उसका दिमाग सुपर एक्टिव हो चुका है। वो हर चीज को ऑब्जर्व कर सकती है और अब वो ऐसी कोई भी बेवकूफी नहीं करना चाहती जिससे उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो। और फिर वो आदमी जैसे लूसी के पास आता है, लूसी उस पर हमला कर देती है और उसके बेल्ट को खींच के उसे जोर से दूर फेंकती है। वहीं पास एक मेज पड़ा होता है जिस पर बंदूक रखी होती है। लूसी बेल्ट से उस मेज को अपनी तरफ खींचती है और उस पर रखी हुई बंदूक से उस आदमी को जान से मार देती है। उस आदमी को शूट करने के बाद लूसी वहां से निकल जाती है और वहां से निकलने के बाद सीधा हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसके पेट में जो पैकेट फटा है उसमें अभी भी थोड़ा सा पाउडर मौजूद है। इसलिए वो हॉस्पिटल जाती है ताकि वो उस पूरे पैकेट को अपने पेट में से निकाल सके। वो एक कमरे में चली जाती है जहाँ पर डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। फिर वो जाकर स्क्रीन देखती है और डॉक्टर को काम करते हुए देखती है तो वो बंदूक निकालकर उस पेशेंट को मार देती है। तो सब डॉक्टर हैरान रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने क्यों किया, तो वो कहते हैं कि ये तुम लोग वैसे भी इसे ना बचा पाते हैं क्योंकि इसका ट्यूमर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच चुका था। उसके बाद उस मरे हुए पेशेंट को धक्का देकर खुद वहां पर बैठ जाती है और फिर डॉक्टर को बंदूक से डराकर कहती है कि मेरे पेट में ड्रग्स का पूरा पैकेट है जो फट चुका है, मैं चाहती हूं कि तुम लोग उस पैकेट को मेरे पेट में से निकाल दो। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दे देता हूं ताकि हम तुम्हारा ऑपरेशन शुरू कर सके। एनेस्थीसिया इसलिए दिया जाता है ताकि कोई दर्द ना हो, और उससे इंसान बेहोश हो जाता है। लेकिन लूसी उनको ऐसा करने से मना कर देती है, वो कहती है कि मैं जागती ही रहूंगी और उन पर बंदूक भी तान कर रखती है। वो गन पॉइंट पर ये सब कुछ कर रही होती है लेकिन डॉक्टर कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। फिर ऑपरेशन के दौरान ही वो अपनी मदर को कॉल करके कुछ बातें बताती है। उसकी मदर हैरान रह जाती है कि तुम्हें ये सब बातें कैसे याद है, क्योंकि लूसी उस वक्त की बातें बता रही होती है जब वो सिर्फ 1 साल की थी। इसकी वजह ये होती है कि उसका दिमाग पूरे 20% काम करता है। अपनी मदर से बात करने के बाद लूसी फोन बंद कर देती है। अब वो पैकेट भी उसके पेट में से निकाला जा चुका होता है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि जो पैकेट है इसमें बचा हुआ ड्रग कितना है, तो डॉक्टर से बताता है कि ये 0.5 किलो है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि जो मेरे पेट में रिलीज हो चुका है इसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। तो डॉक्टर कहता है ये जाने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली चीज है क्या। तो लूसी कहती है ये CPH4 है। तो ये सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाता है। तो फिर लूसी उससे पूछती है कि ये CPH4 होता क्या है। तो डॉक्टर बताता है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी के 6 वीक में ये CPH4 जो है नेचुरली थोड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और ये बेबी के अंदर एनर्जी डेवलप करने के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। और डॉक्टर मजीद कहता है कि जबकि ये तुम्हारे अंदर अभी से रिलीज हो चुका है तो मुझे यकीन नहीं आता कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। तो लूसी जवाब देती है कि शायद ज्यादा देर तक नहीं। फिर जब लूसी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो वो बाहर हर चीज को ऑब्जर्व कर रही होती है। तो वो देखती है कि वो हर चीज को महसूस कर पा रही है, यहाँ तक कि वो ये भी देख और महसूस कर पा रही होती है कि आखिर दरख्तों के अंदर क्या चल रहा है। फिर यहाँ से लूसी सीधा होटल में जाती है जहाँ पर मिस्टर जैंग होते हैं। मिस्टर जैंग वही है जिन्होंने लूसी के पेट के अंदर वो पैकेट डाला था। फिर वो पूछती है कि जो बाकी के 3 लोग मेरे साथ है जिनके पेट में भी तुमने ये पैकेट डाला था वो लोग कहाँ है, मुझे उनकी लोकेशन के बारे में बताओ। वो कुछ भी नहीं बताता है तो लूसी उसके दिमाग पर अपना हाथ रखती है और सब कुछ जान लेती है कि वो 3 पैकेट आखिर कहाँ जाने वाले हैं। और इस तरह उसे पता लग जाता है कि 1 पैकेट रोम में, 1 बर्लिन में और 1 पेरिस में जा रहा है। इसके बाद लूसी अपनी फ्रेंड के घर आ जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ। उसकी इजाजत मिलने के बाद वो अपनी फ्रेंड के कंप्यूटर से उस इंसान का पता चलाती है जो ब्रेन पर रिसर्च कर रहा होता है। फिर वो प्रोफेसर सैमुएल को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मुझे आपसे कोई बात करनी है और मैं आपकी सारी रिसर्च को पढ़ चुकी हूँ। तो डॉक्टर प्रोफेसर बहुत हैरान होते हैं और खुश होते हैं कि तुम मेरी सारी रिसर्च को पढ़ चुकी हो। तो फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि तुम जानती भी हो कि मैंने कितने पेजेस लिखे हैं। तो फिर लूसी कहती है कि पूरे 6734 पेजेस हैं जो मैं पढ़ चुकी हूँ। तो उसकी बात सुनकर प्रोफेसर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर लूसी उन्हें सारी बात बताती है कि मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट में CPH4 जो है अपने पेट में अब्सॉर्ब कर ली है। उस ड्रग की वजह से अब मेरा दिमाग 20% काम करता है जिसकी वजह से मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगी, शायद अगले 24 घंटे में, लेकिन तब तक मेरा दिमाग पूरे 100% तक काम करने लग जाएगा। और मजीद कहती है कि अब मुझ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान को इंसान बनाती है। क्वांटम फिजिक्स, साइंस, मैथ, इन सबका जितना भी नॉलेज मेरे अंदर पैदा हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनका कैसे इस्तेमाल करूं। तो उसकी बात सुनकर प्रोफेसर कहते
बात है कि तुम्हारे अंदर जितना भी नॉलेज आ चुका है, अब तुम्हारा फर्ज है कि इसे आने वाली नस्ल तक पहुंचा दो। उनकी बात सुनकर भी ल्यूसी कहती है कि आने वाले 12 घंटे में मैं आपके पास मौजूद होंगी। इसके बाद ल्यूसी वो 3 पैकेट जो थे उनको लेने के लिए निकलती है, और इसी दौरान ही हमें ल्यूसी के पास माइंड की जो पावर्स आई है वो भी दिखाई जा रही होती है कि कैसे ल्यूसी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरों को कंट्रोल करती है और उन्हें हवा में उड़ा देती है। इसके बाद हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो ल्यूसी का साथ देता है। इस पुलिस कैप्टन का नाम होता है पियर डेल रियो। ये ल्यूसी पुलिस वाले के साथ मिलकर 3 पैकेट्स को हासिल कर लेती है। उन 3 पैकेट्स को हासिल करने के बाद सीधा प्रोफेसर सैमुएल के पास जाती है। वहाँ पर प्रोफेसर उनके साथ ही पहले से ही ल्यूसी का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर ल्यूसी मैथमेटिक्स और साइंस वगैरह की कुछ ऐसी चीजें बताती है जिन्हें सुनकर प्रोफेसर और उनके साथ ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में उन लोगों ने पहले कभी सोचा ही नहीं होता। इतनी देर में वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जिन तक वो ड्रग के पैकेट्स को पहुँचाया जाना था। तो पुलिस वाला ल्यूसी से कहता है कि मैं उन लोगों को ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार मौजूद हैं और उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है। तो ल्यूसी कहती है कि बस अब मेरे जाने का वक्त भी आ गया है। फिर ल्यूसी प्रोफेसर से कहते हैं कि मुझे बाकी के 3 पैकेट्स भी अपने अंदर डालने होंगे। तो प्रोफेसर ल्यूसी से कहता है कि तुम्हें यकीन है कि ये करना ठीक होगा? तो ल्यूसी कहती है कि हाँ, ऐसा करने से ही मैं अपने दिमाग का पूरे 100% तक इस्तेमाल कर पाऊंगी। इसके बाद मेरे पास जितना भी नॉलेज आएगा मैं उसको एक सुपर कंप्यूटर के अंदर ऐड करके आपको दे दूंगी, ताकि ये कल को आने वाली जनरेशन के काम आए। इसके बाद वो 3 पैकेट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ल्यूसी का दिमाग पूरे 100% तक काम करना शुरू हो जाता है। अब उसकी बॉडी एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में तब्दील हो जाती है और उसके आसपास हर मशीन को पिघलाकर एक बहुत बड़ी मशीन बना देती है। अब ल्यूसी का दिमाग पूरे 99% तक काम कर चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ल्यूसी टाइम ट्रेवल करती है, यानी कि टाइम भी अब उसके कंट्रोल में होता है, और वो दिमागी तौर पर सफर करके माजी के उस वक्त तक जाती है जहाँ पर ल्यूसी और इंसानों के अभाव अजदाद रहा करते थे। यहाँ तक कि वो वक्त के शुरू में जब बिग बैंग हुआ था वो सारा कुछ देख के आती है। अब ल्यूसी वापस आ जाती है, तभी वो गुना जिसने उसके पेट के अंदर वो ड्रग का पैकेट डाला था वो उस पर गन शूट करता है, लेकिन जैसे ही वो गन से शूट करता है ल्यूसी वहाँ से गायब हो जाती है। इतने में पुलिस कैप्टन पियर वहाँ पर आ जाता है और उस गुंडे को गोली मारकर मार देता है। उसके बाद ल्यूसी ने जो कंप्यूटर बनाया होता है वो प्रोफेसर सैमुएल को एक फ्लैश ड्राइव देता है, जिसमें ल्यूसी ने अपनी सारी नॉलेज को सेव कर दिया होता है। उसके बाद कैप्टन पियर प्रोफेसर से पूछता है कि ल्यूसी कहाँ है, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज ल्यूसी की तरफ से होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं हर जगह हूँ। और फिर ल्यूसी की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कहती है कि हमें करोड़ों खरबों सालों पहले ही जिंदगी दे दी गई थी, अब हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह गुजारते हैं। इसके साथ ही हमारी मूवी एंड हो जाती है, लेकिन जाने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगी, अगर आप सब हमारे चैनल की वीडियोस को पसंद करते हैं तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।